हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को डीपली से समझाया जाता है, जिससे आप कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। सवाल देखिए, एक राशि को 16% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन रुपये में क्या है। हमने आपको बताया था मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ रूल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल्स है, कभी भी मैथ के क्वेश्चन को स्पीड से नहीं पढ़ेंगे, हमेशा मैथ के क्वेश्चन को बहुत स्लो मोशन से पढ़ेंगे। दूसरा था कि जब भी क्वेश्चन को आप पढ़ें, स्टेप में पढ़ें, डिवाइड करके पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और उसको समझें, इमेजिन करें। जैसा एक राशि को, अब मान लो कोई राशि है रुपये, कुछ रुपए हैं, 1000 2000 क्या है ये अभी पता नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए या 2000 रुपए कोई एक राशि है, को 16% दर से, आपको पता है 16% रेट से, 16% हमने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में परसेंटेज निकालना सिखाया था, जिसको नहीं आता परसेंटेज वो वहां पर जाके परसेंटेज सीख ले। 16% दर से, इसका मतलब क्या हुआ है कि एक वर्ष में आपसे 16% लग रहा है। एक वर्ष में कितना मिल रहा है? 16%। कोई राशि हमने किसी को निवेश किया है, किसी राशि को हमने क्या किया है, मान लो 1000 या 2000 रुपए हमने निवेश किए हैं और उस पर हमें 16% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए प्राप्त होता है। अब यहां पर आप एक बात समझो कि हमने कोई राशि निवेश की और सिंपल इंटरेस्ट पर की है, 16% मिल रहा है एक साल में हमें, और 2 साल में हमें कितना मिला है, 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 800 रुपये। अब ये पूछ रहे हैं वो राशि क्या थी, कि हमने कितने रुपए निवेश किए थे। फिर से हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्योंकि मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन समझने में एक्सपर्ट बन गए, आप मैथ के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। इनका कहने का मतलब यह है कि एक राशि है जिसे 16% की दर से ब्याज मिल रहा है, एक साल में 16% ब्याज मिल रहा है और 2 साल तक उसको ब्याज मिला, एक साल में 16% मिल रहा है और उसे कब तक मिला है, 2 साल तक, और 2 साल में ब्याज कितना मिला है, 800 रुपये। अब आप बताइए, एक साल में 16% है तो 2 साल में कितना हुआ है, 32%। एक साल में कितना मिल रहा है, उसका 16% जो हमने निवेश किया है, हमने मान लो 1000 रुपये निवेश किए हैं, कितने, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का 16% कितना हुआ, 160 रुपये। अब 160 रुपये मुझे एक मंथ में मिल रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि 2 वर्ष में 800 रुपये मिले हैं। जब 2 वर्ष में 800 रुपये मिले हैं तो 1 वर्ष में कितना हुआ है, 400 रुपये। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 वर्ष इक्वल 800 रुपये इक्वल। अब आप देखो, 2 वर्ष में जो रुपए मिले हैं वो 800 रुपये मिले हैं, बट ये 1 वर्ष में 16% है, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 16%, 2 वर्ष में कितना हुआ है, 32%। आपका ये हो गया 800 रुपये बराबर 32%। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, 2 वर्ष में 800 रुपये 32%, और आपको पता होगा कि जो अमाउंट होता है वो हमेशा 100% होता है, अमाउंट कितना होता है, 100%। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप देखो 32% बराबर 800 रुपये। अब यहां पर हम किस तरीके से 100% निकालेंगे, आपको 32% दे दिया है, 32% कैसे आया, फिर से एक बार समझ लो, एक साल में लग रहा है 16%, 2 साल में कितना हुआ आपका, 32%, और 2 साल में रुपए कितने मिले हैं, 800 रुपये। ठीक है, अब अमाउंट होता है हमारा 100%, इसीलिए आप इसको बनाओगे 100%। 100% कैसे बनाओगे, इसमें आप दे दो 8 का 12 और 25 का गुणा मल्टी। ठीक है, आपका ये कितना हो जाएगा, 100%। हमने जो उस साइड किया है वही हम क्या करेंगे, इस साइड भी कर देंगे, 8 का डिवाइड और
25 का मल्टी 8 स्क्वायर डिवाइड करो 4 बार और ये आपको हो गया 100% इक्वल आपका हो गया ये 2500 रुपए। ये रहा आपका आंसर। सिंपल सा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो 2500 रुपये आपका आ रहा है 100%, और जो अमाउंट होता है वो हमेशा 100% होता है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ है 2500 रुपये। फिर से एक बार सवाल को समझ लो, इन्होंने कहा था एक साल में मिल रहा है 16%, ठीक है, तो दो साल में कितना हुआ हमारा 32%, और दो साल में रुपए कितने मिले हैं 800 रुपये, इसीलिए 32% बराबर 800 रुपये। हमने इसमें 8 का डिवाइड कर दिया, कितना बचा ये 4%, और फिर 25 का मल्टी कर दिया, कितना हो गया ये 25 100% बराबर आपके 2500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।